एवरीवन, तो गर्मी अपने पीक पर है और अब हमने सभी लोग एडवाइस कर रहे हैं कि सनस्क्रीन लगाओ सनस्क्रीन लगाओ, लेकिन कौन सा सनस्क्रीन खरीदे और क्या देखे एक सनस्क्रीन खरीदने से पहले, चलिए देखते हैं। सो नंबर वन जो चीज आपको देखनी है वो है SPF। अब SPF कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, कितना होना चाहिए? तो हमारी नॉर्मल इंडियन स्किन टोन के लिए या नॉर्मल इंडियन स्किन ब्राउन स्किन के लिए SPF 30 ठीक है, क्योंकि हमारी स्किन वाइट स्किन नहीं है जो बिल्कुल ही जल जाएगी, और लेकिन कुछ प्रोटेक्शन हमारी स्किन को भी चाहिए। तो SPF 30 ठीक है। जितना ज़्यादा आपका SPF बढ़ता जाएगा उतना ही आपके सनस्क्रीन का कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो SPF 30 इज गुड एनफ फॉर आर इंडियन स्किन टोन। नंबर टू है कि आपको अपना सनस्क्रीन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखना है, लेना है, मतलब जिस सनस्क्रीन पे लिखा होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम वही आपको लेना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब जो कि आपके UVA और UVB दोनों से प्रोटेक्ट करे। UVA को आप लगा लो A फॉर एजिंग और B फॉर बर्निंग, तो ना तो आपकी जो एजिंग करती है जो रेज उससे भी प्रोटेक्ट करे और जो बर्निंग करते हैं उससे भी प्रोटेक्ट करे। तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो देखनी है PA++++, 3+ या 4+ इज मोर देन सफिशियंट, ठीक है। ये भी आपकी एजिंग को ही जो रेज करती है UVA से ही प्रोटेक्ट करता है, ये भी एक उसी का ही मार्कर है। तो ये आप PA++++ या PA++ आप ले सकते हैं। साथ में जो पांचवी या चौथी चीज़ आएगी, जो चौथी चीज़ है वो ये है कि आपको देखना है कि आपकी स्किन पे कौन सी सनस्क्रीन सूट कर रही है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उसमें आप कर सकते हैं अपना क्रीम बेस या लोशन बेस सनस्क्रीन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है और उस पर आपने क्रीम बेस लगा लिया तो नेक्स्ट डे आपको पिंपल्स हो जाएंगे, जो कि किसी को नहीं चाहिए। तो इसलिए आपको जेल बेस या अगर वाटर बेस आपको मिल रहा है कहीं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। जितना लाइट बेस होगा उतना ही अच्छा वो इफेक्टिव होगा। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू द चैनल।